उधर ग्रेटर नोएडा में त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 153 गांवों के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। दादरी, दमकौर, बिसरक और जेवर ब्लॉक के में मतदान हो रहा है और चुनाव में 12 बजे तक करीब 37% तक मतदान हो चुका है। दादरी में 34 और दमकौर में 41% वोटिंग हो चुकी है। 12 बजे तक जेवर में 33.25 और बिसरक में 34% मतदान। जिला पंचायत सदस्य के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 212 प्रत्याशी मैदान में है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1957 उम्मीदवार है मैदान में और शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी पुलिस बल हर ब्लॉक में तैनात। और सीधे रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का। संजीव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। संजीव, अभी तक का 1 बजे तक का क्या कहता है मतदान का प्रतिशत? देखिए, मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी ऑफिशियल जो है मत प्रतिशत नहीं आया है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 45% के करीब जो है 1 बजे तक का मतदान जो है वो अभी तक जो है पूरे जनपद में पड़ा है, क्योंकि 153 जो है गांव है उनमें पूरा मतदान हो रहा है। हालांकि शांतिपूर्ण फिलहाल जो है मतदान चल रहा है और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पीएससी की टुकड़ियां लगाई गई हैं, आरआरएफ की भी जो है टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सबसे संवेदनशील अगर बूथ की बात करें तो वार्ड नंबर 2 है, जहां पर अनिल दुजाना का गांव है। इसी के साथ घंगोला, जहां सुंदर भाटी के परिवार से भी चुनाव लड़ रहा है। तो इसी तरीके से विशेष जो नजर है पुलिस प्रशासन की इन दोनों गांवों पर है, इन दोनों वार्डों पर है कि किसी भी तरह की कोई जो है वहां पर जो है जो हिंसा है वो ना होने पाए, किसी भी तरह का जो है उपद्रव ना होने पाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन की पूरी नजर इन दोनों गांवों पर, इनके जो अंतर्गत वार्ड आते हैं उन पर पूरी नजर रखी गई है। जी शुक्रिया संजीव आपका इस बातचीत के लिए। तो प्रशासन सख्त है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और इसी के साथ ही मतदाताओं में उत्साह देखा है। 45% के करीब 1 बजे तक तकरीबन वोटिंग हो चुकी है और ये तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी लाइनें मतदान केंद्रों के बाहर, जहां लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करते हुए 153 ग्रामों के मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है।